निर्भया कांड के चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। उधर इस प्रक्रिया के लिए तिहाड़ जेल से यूपी के डीजी जेलर आनंद कुमार को भी पत्र भेजा गया। आपको बता दें कि इस पत्र में मेरठ के पवन जल्लाद की मांग की गई है। पत्र मिलने के बाद अब पवन जल्लाद को यूपी जेल प्रशासन फांसी देने के लिए तिहाड़ भेजेगा। उधर सबकी निगाहें पवन जल्लाद पर टिकी हुई है। पवन जल्लाद का कहना है कि वो तिहाड़ जेल जाकर दोषियों को फांसी देने के लिए बेताब है। मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ इसके लिए। किस तरीके से? 22 तारीख का जो पटियाला हाउस ने निकाला है डेथ वारंट जारी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। और वो तो 22 तारीख में जो भाई डेथ वारंट जारी किया है उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, जो आपको तारीख का पता चल गया, कितने लोगों को फांसी दी जानी? क्या चार लोगों को दी जा रही है? निर्भया के चार लोगों को दी जा रही है, जो तैयार हूँ। कैसे शुरू करेंगे? तैयारी करेंगे जब जैसे वो वेट करेंगे चारों का, जैसे भी जो है ट्रायल देखेंगे इसका, रस्ते से चेक करेंगे और तख्ता वगैरह चारों कहेंगे तो चारों वाले दो दो करके ले लेंगे। तो उसमें आपको तैयार रहने के लिए कहा गया? तैयार रहने के लिए कहा था मुझे, उस लेटर में तैयार रहने के लिए कहा गया था। इस बीच मेरठ जिला कारागार में पवन जल्लाद की हाजिरी रोजाना लग रही है और ये हाजिरी 15 जनवरी तक रोज चलेगी। पवन जल्लाद को मेरठ जिला कारागार में फांसी की बारीकियां भी समझाई जा रही हैं। जल्लाद के शहर के बाहर जाने पर भी फिलहाल जेल प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। पवन जल्लाद को फांसी की सारी बारीकियां बताई जाएंगी ताकि फांसी लगाते समय वो विचलित ना हो। सूत्रों के अनुसार पवन को ये भी बताया गया है कि फांसी लगवाने की एवज में दिल्ली सरकार उसे मानदेय देगी। ये भी हो सकता है कि सरकार 15 जनवरी को पवन जल्लाद को रिहर्सल के लिए दिल्ली बुला ले। वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि पवन को फांसी की पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी रिहर्सल करना जरूरी है। ऐसे में तैयारी पूरी हो चुकी है, अब देखना होगा कि 22 जनवरी की सुबह फांसी पर कैसे चढ़ाया जाएगा उन चारों आरोपियों को। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखें, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।